केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा हो रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कुछ असर इस दौरे का होगा? नहीं, इनके पहले भी दौरे का कोई असर नहीं हुआ है। अब तो बिहार की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है, और अब बीजेपी का सुफड़ा साफ है बिहार में। अब कोई आ जाए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो पिछली दफा आए तो 400 पार का नारा बंद कर दिया, अब आदरणीय अमित शाह जी आएंगे तो फिर वही सब कैसेट बजा कर जाएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि बिहार को हमने क्या दिया। तो इनका यहाँ कौन सुनने वाला है? तो अब तो बीजेपी पूरी तरह से बिहार में डिफेंसिव मोड में है। अब बीजेपी को ये एहसास हो गया है कि बिहार में उनकी बुरी स्थिति होने वाली है। प्रधानमंत्री भी अब जो नारा दे रहे हैं वो गरीबों की सरकार का नारा दे रहे हैं, क्या है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो हर चुनाव में नारा देते हैं गरीबों का सरकार, और जब सरकार बनता है तो गरीबों को ही भूल जाते हैं। अरे गरीबों का आपने क्या किया उद्धार, ये न बताइए। इसलिए इस बार देश के गरीबों ने ठाना है मोदी जी को हटाना है। ये लड़ाई है गरीबी अमीरी की, ये लड़ाई है सच और झूठ की। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अगर गरीबों की चिंता होती तो महंगाई की मार से गरीबों की थाली खाली नहीं होती, भूख से गरीब परेशान नहीं होते, भुखमरी नहीं होती, गरीबी नहीं होती। इसलिए गरीबी से आज़ादी दिलाएगा इंडिया गठबंधन। इसलिए सारे गरीब, गुरवे, वंचित, शोषित सारे लोग इंडिया गठबंधन को जिताने में लगे हुए। आज रोहिणी का नामांकन है बाबा, किस तरीके से देख रहे हैं? वहाँ लालू जी भी जा रहे हैं, तेजस्वी भी जा रहे हैं, क्या जीत आप लोग देखिए? आज छपरा में सारण लोकसभा सीट पर जो राष्ट्रीय जनता दल के इंडिया गठबंधन महागठबंधन के प्रत्याशी हैं श्रीमती रोहिणी आचार्या जी, उनका भव्य नामांकन होगा, इसके बाद सभा होगी और आज ही जीत की गारंटी हो जाएगी जो जनसैलाब उमड़ेगा। रोहिणी को, बेटी को पूरे बिहार की जनता ही नहीं देश दुनिया के लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, और सारण लोकसभा सीट सौभाग्यशाली है कि रोहिणी जैसे उम्मीदवार उनको जनप्रतिनिधि मिलेंगे। लेकिन रूडी तो आश्वस्त है कि फिर से उनकी जीत होगी, लड़ाई उनकी नहीं, ये सब दिवा स्वप्न देखना 4 तारीख तक तो बीजेपी वालों का काम है, तो मुगालते में है। इस बार रोहिणी सारण लोकसभा सीट पर इतिहास रचेगी और विश्व कीर्तिमान स्थापित होगा, इतने बड़े मार्जिन से जीतेगी।